लक्स डांस इंडिया डांस के मंच को छोड़कर जब भी किसी डांसिंग स्टार को जाना पड़ता है आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन डांसिंग स्टार अमृता का लक्स डांस इंडिया डांस के इस पहलू को देखने का नजरिया वाकई काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा लगा, वो जिस तरीके से गई है ऐसा लगा कि कोई रंगीले से निकला है, क्योंकि यूजली ऐसा होता नहीं है वहाँ पे। और जिस तरीके से अमृता आउट हुई है और जिस तरीके से उसका रिएक्शन था, और वेरी हैप्पी वेरी दिस थिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वही स्पिरिट उनका तो पहले से दिखता है, और अब छः बचे हैं, छः में से जो भी निकलेगा वैसे लगेगा कि हाँ ये मेरा था। मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि बेहतरीन 12 से लेकर सुपर 6 तक आना ये जो जर्नी रहा, डीआईडी का मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड रहा है। तो ये 5 महीना जो भी कुछ मैंने यहाँ से लूटा है बैग फुल करके लेके जा रही हूँ, जो मैं हमेशा पूरी जिंदगी भर चेरिश करूँगी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिकॉज वो एपिसोड शायद मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला एपिसोड था, क्योंकि पहली बार वो स्टेज को फील करने वाली थी। था आज आपने मतलब why was I not selected, तो वो बात मुझे नजर आई, that feeling in that I deserve to be here. Definitely satisfaction तो इस लेवल पे आने के बाद बहुत है मुझे, और सुनहरी टोपी जरूर नहीं मिली, पर उसका एक एहसास मिल गया जब सुनहरा पंख मिला, तो आई एम वेरी सैटिस्फाइड। यू ऑल जस्ट लॉस्ट द विनर ऑफ द शो। सुनहरी तकदीर की टोपी के एक प्रबल दावेदार को लक्स डांस इंडिया डांस के ग्रैंड फिनाले से महज 2 हफ्ते पहले ये मंच छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ एक और हफ्ता। टॉप 5 डांसिंग स्टार्स में से कौन शामिल होंगे लक्स डांस इंडिया डांस के फाइनलिस्ट 4 सुनहरे नामों में? लक्स डांस इन डांस सीजन 1 का फिनाले, मुझे अभी तक क्लियरली याद है कि वो फिनाले किस लेवल पे हुआ था। आपके पीछे इतने सारे बैक डांसर्स नाचते हैं और कम से कम 10,000-15,000 ऑडियंस आपके सामने बैठी है और वो चिल्ला रही है आपके लिए, और एज अ सेलिब्रिटी एज अ स्टार आप सेंटर में खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं और आपके लिए सारा अरेंजमेंट किया गया है। गीता माँ को, टेरेंस सर को, रेमो सर को परफॉर्म करते हुए देखा था, इतना ज़्यादा क्राउड, इतने ज़्यादा लोग, तो वो फीलिंग हम अभी तक हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक कि हम उस फीलिंग को फील करके, उस माहौल को फील करके परफॉर्म नहीं करेंगे उनके सामने। यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, सिर्फ एक स्टेप बाकी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस वक्त। एक्चुअली एक तो डर लग रहा है और एक खुशी हो रही है। डर इस चीज़ का है कि लास्ट वीक है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है कि कोई भी आउट हो सकता है। लास्ट वीक डेंजर जोन में था इसलिए ज़्यादा टेंशन है, और खुशी इस चीज़ की कि बस वो फिनाले का सपना जब देखते हैं वो फीलिंग्स, बस सोच सोच के बहुत खुशी लग रही है कि सुनहरी तकदीर की टोपी सामने रखी होगी और कुछ घंटों का फासला होगा हमारा और उसका। नेक्स्ट वीक सबसे डिफिकल्ट एलिमिनेशन होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग 5 रह गए और इनमें से जो भी एक निकल जाएगा उसके लिए इतना सैड होएगा कि ग्रैंड फिनाले इतने क्लोज तक पहुंच गए और वहां तक नहीं जा पाए। सब हर कोई प्रिपेयर्ड है इस सिचुएशन के लिए कि अब एक हफ्ता रह गया, एक इंसान और निकलेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है या वो कमज़ोर है, लेकिन हाँ शायद उसका दिन नहीं होगा फिनाले में जाने के लिए, या इतना अच्छा दिन नहीं होगा कि वो टॉप 4 में चला जाए। तो जो भी होगा उसके लिए बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, कोई भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से झटका लगे और मैं आउट हो जाऊं बिल्कुल, और मेरा सपना भी खत्म हो जाए सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का। अब तक इतना पूरा सफर पार करके सिर्फ एक स्टेप हम नहीं पहुंच पाए, या ग्रैंड फिनाले तक मैं नहीं पहुंच पाया, तो बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा, बट
ओके ये लाइफ है, किसी ना किसी को तो जाना ही एक दिन। तो इस कंपटीशन में आके मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत हिम्मत आ गई है मुझ में और इतना विश्वास आ गया है कि जब डीआईडी से बाहर जाऊंगी तो कुछ भी लाइफ में हो, किसी भी तरह की स्ट्रगल हो, बहुत हिम्मत से फेस कर पाऊंगी। इतनी हिम्मत इस मंच ने हम सबको सिखा दी है। हम लोग खुद कभी कैसे कंफ्यूज हो जाते थे कि मेरे स्टाइल में मैं माहिर हूँ, शक्ति उसके स्टाइल में माहिर है, विनी उसके स्टाइल में माहिर है, अमर उसके स्टाइल में, मतलब सब अपने अपने स्टाइल में इतने माहिर है कि अभी पता नहीं भी क्या होगा। अभी वोटिंग के हिसाब से चल रहा है तो अभी देखते हैं क्या होगा।